हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीज़ा डायरीज। आज हम लोग निकले हैं अपने बैंफ के ट्रिप के लिए। बैंफ, यहाँ से मैं रहता हूँ एडमिंटन के अंदर, और एडमिंटन से बैंफ का रास्ता पाँच घंटे का है। तो अभी हम रास्ते में हैं, आपको दिखाते हैं रास्ते की ब्यूटी। और जैसे ही हम अपने साथ आप लोगों को बैंफ लेके चल रहे हैं, और इस वीडियो के अंदर आप लोग आगे चल के बैंफ की ब्यूटी भी देखेंगे, जो कि अल्बर्टा के अंदर पड़ता है। और बैंफ जाते जाते वहाँ के रास्ते के बारे में हम आप लोगों को थोड़ा बहुत बताएंगे। अभी हम लोग कैलगरी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं, जो कि यहाँ से 157 किलोमीटर रह गया है कैलगरी। लेकिन हम लोग कैलगरी के अंदर जाएंगे नहीं, हम लोग कैलगरी से बाहर, कैलगरी से जस्ट पहले ही एक बाईपास रोड जाती है, वहाँ से हम लोग बैंफ के लिए निकल जाएंगे। अब हम आगे जाके आप लोगों को बैंफ दिखाएंगे। बैंफ के साथ में ही, बैंफ से जस्ट पहले कैनमोर पड़ता है। कैनमोर भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सो आप लोगों को दिखाते हैं। हम लोग एडमिंटन से अपनी 4.5 घंटे की जर्नी पूरी कर बैंफ पहुंच चुके हैं। और बैंफ के अंदर एंट्री लेने के लिए आप लोगों को पास लगता है, जो कि एक दिन का पास पर व्हीकल $22 का आता है। और बैंफ के अंदर हमारा सबसे पहला जो स्टॉप पड़ता है वो है हमारा केव एंड बेसिन्स। जी हाँ, जो आप मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हैं, ये केव एंड बेसिन्स की एंट्रेंस है। और यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे केव एंड बेसिन्स के अंदर। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि केव एंड बेसिन्स की पर एडल्ट टिकट आती है $9 की। और अगर आपके साथ कोई 65 ईयर्स ओल्ड या उससे ज़्यादा का कोई व्यक्ति आप लोगों के साथ आ रहा है, वो सीनियर्स में काउंट होता है, और सीनियर्स की टिकट $7.50 की पड़ती है। सो अगर, और साथ ही साथ अगर आप लोगों के साथ कोई 17 साल या उससे नीचे का कोई बच्चा आप लोगों के साथ आ रहा है, उसकी एंट्री टिकट फ्री है एज ऑफ टुडे। आगे अगर पार्क्स कनाडा कुछ चेंजेस कर दे इसके अंदर, तो उसका हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो जब भी आप लोग यहाँ पे आएँ,
तो प्लीज़ अपने टिकट्स चेक कर कर आइएगा ऑनलाइन की कितने की पड़ती है। और साथ ही साथ जो केव एंड बेसिन्स है ये आप लोगों का 5 बजे तक ही खुला होता है, तो अपना टाइम उस टाइम के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे आइए। और मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे मैं भी पहली बार आ रहा हूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि अंदर ऐसा क्या है जो हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों को अपने साथ साथ घुमाता हूँ केव एंड बेसिन्स। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ जो मुझे अभी अभी पता चली है यहाँ पे, कि ये जो पूरा केव है ये आप लोग व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी के साथ है। तो मतलब अगर आप लोग व्हील चेयर पे हैं या फिर अगर आप लोगों के साथ कोई बच्चा है जिसके लिए आप लोगों को स्ट्रोलर यूज़ करना पड़ रहा है, तो आप लोग स्ट्रोलर और व्हील चेयर लेके जा सकते हैं। आप लोगों के लिए पूरी सुविधा अंदर अवेलेबल है। तो आइए जल्दी से चलते हैं और केव एंड बेसिन घूमते हैं। Thank you.